हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल, एल्कोहल एंड ईथर। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बट ऑल दे आर प्रिपेयर फ्रॉम एलिकल हैलाइड्स आल्सो यूज्ड इन देम। नाउ वी स्टार्ट एलिकल हैलाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम एलिकल हैलाइड के प्रिपरेशन बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। ये कन्वर्जन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी सहायता से हम काफ़ी कन्वर्जन कर सकते हैं और इसका लगभग सभी चैप्टर्स में इसका यूज होता है। तो एलिकल हैलाइड हैं क्या? एलिकल हैलाइड होते हैं हमारे किसी भी एल्केन के हाइड्रोजन एटम को किसी हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें एलिकल हैलाइड कहते हैं। एलिकल हैलाइड्स का वाइडली यूज है। ये एज ए सॉल्वेंट यूज हो सकते हैं, एन मेडिसिन में यूज होते हैं, जैसे क्लोरोफेनिकॉल एंटीबायोटिक है, आयोडीन युक्त हम नमक प्रयोग करते हैं, ये थायराइड ग्लैंड से आयोडीन युक्त कंपाउंड्स हमारे निकलते हैं इसके लिए। तो एलिकल हैलाइड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। निश्चितक के रूप में हमें क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक्स वगैरह बनाने में इनका यूज होता है इसके लिए। तो इनका वाइडली यूज है। फ्रेयॉन CF2Cl2 फ्रेयॉन 12, AC फ्रेज वगैरह इनमें यूज होते हैं। प्रसीतक के रूप में ये इनका उपयोग होता है। एलिकल हैलाइड में इनका जो वर्गीकरण किया गया है, तो यदि हम हैलोजन एटम के अनुसार इनका वर्गीकरण करते हैं तो जिनमें एक ही हैलोजन एटम रहता है उन्हें बोलते हैं हम मोनो हैलो व्युत्पन्न, और जिनमें दो होते हैं उन्हें डाई हैलो व्युत्पन्न, और तीन होने पर ट्राई हैलो व्युत्पन्न कहते हैं। इस तरह से मोनो, डाई और ट्राई रहता है। यदि हम कार्बन की प्रकृति को लेकर करते हैं कि अगर कार्बन sp3 हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड होता है, तब हम इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में मान सकते हैं। प्राथमिक एलिकल हैलाइड होता है जिसमें हैलोजन परमाणु है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राइमरी कार्बन से। सेकेंडरी, जिसमें सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा रहता है, और टर्शियरी, जिसमें तृतीयक टर्शियरी कार्बन से जुड़ा रहता है, उन्हें हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड वाले आ जाएंगे। इसके पश्चात हम लेते हैं एलिलिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, और इसके बाद जो सी आता है उससे अगर हेलोजन जुड़ा है तो एलिलिक रहेगा, एलिलिक हैलाइड कहेंगे हम इसे। तो दूसरा हो सकता है ये एलिलिक हैलाइड के अतिरिक्त बेंजिलिक हैलाइड में जैसे CF6 स्ट्रक्चर है बेंजीन की, CH2Cl, ये भी sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए ये इसे बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तब हम इसे बोलेंगे बाइनिलिक हैलाइड, C डबल बॉन्ड C। अगर इसे हेलोजन एटम जुड़ा रहता है तब इसे बाइनिलिक हैलाइड। इनमें बाइनिलिक हैलाइड के लिए, बाइनिलिक हैलाइड में एरिल हैलाइड भी हो सकता है, एरिल हैलाइड होगा और बाइनिलिक हैलाइड रहेगा। इनका IUPAC नेम जब लिखते हैं तो इनमें हेलो एल्केन लिख दिया जाता है, हेलो एल्केन। इसके लिए वाइडली यूज, काफ़ी हम IUPAC में पढ़ चुके हैं और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सिंपल है इसके लिए। अब हम आते हैं इसके सी और एक्स के जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड नेचर, सी सिंगल बॉन्ड एक्स, ये पोलर रहता है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। तो CX बॉन्ड की लेंथ है वो सबसे ज़्यादा आयोडीन में रहती है,
सीआई बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा लंबा रहता है और सबसे छोटा रहता है वो हमारा सीएफ बॉन्ड रहता है। और ये जानते हो कि जितना बंद लंबाई अधिक होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगी, इसलिए सबसे अधिक क्रियाशील रहते हैं हमारे एलिकल हैलाइडों में एलिकल आयोडाइड, और उससे कम क्रियाशील रहेंगे हमारे ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड और सबसे कम फ्लोराइड, इस तरह से रहेंगे। अब इन एलिकल हैलाइड्स को हम बनाते कैसे हैं, इनके प्रिपरेशन मेथड, तो हमारे यहाँ क्योंकि इंडिया में शुगर का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है तो इसमें शुगर के जो साइड प्रोडक्ट है मोलासेस सीरा होता है और सीरे से हम एल्कोहल प्राप्त करते हैं, तो एल्कोहल जो है प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध होता है, इसलिए हम एल्कोहल से एलिकल हैलाइड बनाते हैं। एलिकल हैलाइड बनाने का हमारा मुख्य कारण इसका उत्पाद है कि एल्कोहल भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होता है। तो एल्कोहल को हम एलिकल हैलाइड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदला जा सकता है, इसे देखते हैं किस तरह से देखते हैं। तो हमारे पास एल्कोहल को ROH, जनरल फॉर्मूला इसका ROH, यदि हम HCl गैस लेते हैं HCl गैस, तब ये किस्मत चेंज हो जाएगा RCl एलिकल क्लोराइड में, हेलो एल्केन में कन्वर्ट होगा, क्लोरो एल्केन। कंसंट्रेट HCl के साथ अगर हम उत्प्रेरक जिंक क्लोराइड लेते हैं, जैसे द्वितीयक अगर हमारा एल्कोहल है, तब भी हमें RCl का प्राप्त होगा। यदि हम PCl3 फॉस्फोरस और क्लोरीन की रिएक्शन से PCl3 बनाएंगे, PCl3 फॉस्फोरस और क्लोरीन से PCl5 बनेगा, तो रेड फॉस्फोरस लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं तो PCl3 या PCl5 बनेगा, तो इससे के साथ क्रिया कराने पर, गर्म करने पर एल्कोहल RCl में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सल्फ्यूरिल क्लोराइड रहता है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की अगर रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं तो हमारा RCl बनता है, और इसके साथ दो अन्य जो गैसें बनती हैं वो हमारी HCl और SO2 बनती हैं। HCl और SO2 गैस आसानी से अलग हो जाती हैं, इसलिए हमें शुद्ध अवस्था में RCl मिल जाता है, प्योर RCl, इसलिए हमारा SOCl2 बनाने का मेथड है वो सबसे बेस्ट रहता है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि SOCl2 से एलिकल क्लोराइड बनाना अच्छा क्यों माना जाता है, तो क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट हैं वो SO2 और HCl गैस होती हैं जिन जो आसानी से अलग हो जाती हैं और हमें शुद्ध एलिकल हैलाइड प्राप्त हो जाता है, इसके कारण प्रयोग करते हैं। यदि अब हम एलिकल ब्रोमाइड बनाना चाहते हैं तो एलिकल ब्रोमाइड बनाने के लिए एल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 तथा या NaBr और H2SO4 या फिर फॉस्फोरस और ब्रोमीन, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, या फॉस्फोरस और PBr5, रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन से PBr3 और PBr5 बनते हैं, इनके साथ किसी से भी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें RBr ब्रोमोएल्केन प्राप्त होगा। तो ब्रोमोएल्केन इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आयोडाइड बनाने के लिए एल्कोहल को पोटेशियम आयोडाइड के साथ या सोडियम आयोडाइड के साथ या Pi3 या Pi5 के साथ लिया जाता है। NaI या KI के साथ हम H2SO4 प्रयोग नहीं करते क्योंकि H2SO4 KI और KI या फिर NaI होता है, उसे आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हम H2SO4 इसके साथ प्रयोग नहीं करते। तो इस तरह से हम एल्कोहल से कई सारी विधियों से एलिकल हैलाइड बना सकते हैं, जिस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एल्कोहल को हम कैसे एलिकल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो कई सारे मेथड हैं, कंसंट्रेट HCl से कर सकते हैं, HCl गैस से कर सकते हैं, PCl3, PCl5, SOCl2, KBr H2SO4, NaBr H2SO4, PBr3, PBr5, NaI, KI, PI, PI3, किसी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एल्कोहल से हम प्रचुर मात्रा में एलिकल हैलाइड प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद सेकंड मेथड को मैं लेता हूँ, एल्केन से कैसे बनाते हैं हम एलिकल हैलाइड। तो एल्केन से एलिकल हैलाइड बनाने के लिए हमें क्लोरीन या ब्रोमीन की सनलाइट में, अल्ट्रावायलेट रेज में रिएक्शन कराते हैं तो हमें RCl या RBr मिलता है, लेकिन ये मिक्सचर बनता है इसलिए मेथड उचित नहीं होता,
इस मेथड से एलिकल हैलाइड बनाने में हमें यही परेशानी रहती है, यही प्रचुर मात्रा क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें मिक्सचर प्राप्त होता है, शुद्ध अवस्था शुद्ध एलिकल हैलाइड प्राप्त नहीं होते क्लोराइड या ब्रोमाइड, इसलिए हम एल्कोहल को ही प्राथमिकता देते हैं। दूसरा, अगर हम एल्कीन नंबर थर्ड लेते हैं, एल्कीन की रिएक्शन अगर हम HCl से करा दें तो मार्कोनिकोफ के रूल के अनुसार मार्कोनिकोफ के रूल के अनुसार हमारा जो पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि एल्कीन से जुड़ेगा, H धनात्मक भाग होता है, Cl ऋणात्मक भाग होता है, तो इसमें एक भाग से हमारा H जुड़ जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, और दूसरे भाग से हमारा हैलोजन जुड़ जाता है, तो हमें एलिकल हैलाइड मिल जाते हैं, चाहे वो HCl हो या HBr हो या फिर HI हो। तो एल्कीन से हम इस तरह से एलिकल हैलाइड बना सकते हैं। अगर हम ब्रोमीन जल को CCl4 ब्रोमीन का सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, CCl4 में, इसमें एल्कीन में मिलाते हैं तो ब्रोमीन का जो लाल भूरा रंग है वो लुप्त हो जाता है। तो लाल भूरा रंग लुप्त होने का कारण यह है कि इससे द्विबंध की हम पहचान कर सकते हैं, और बंध होने का ये कारण होता है लुप्त होने का कि ब्रोमीन इसके एल्कीन द्विबंध वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाती है और बिसनल डाइहैलाइड बनता है। दोनों कार्बन परमाणुओं पर ब्रोमीन जुड़ जाता है, तो C11C के ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमारे द्विबंध की पहचान भी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो हम डबल बॉन्ड को पहचान भी सकते हैं। नंबर फोर्थ आता है हमारा, किसी एलिकल आयोडाइड को कैसे बनाएंगे किसी एलिकल क्लोराइड या ब्रोमाइड से, तब इस रिएक्शन का नाम होता है हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन में RCl या RBr को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिकृत कराते हैं, जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ये IIT जैसे एग्जाम में पूछा गया है, ऐसी दो रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए जिनमें एक हेलोजन परमाणु दूसरे हेलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है, हमारे लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन सबसे बेस्ट रिएक्शन, सिंगल फिंकलस्टीन रिएक्शन लिख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आई है वो Cl को और Br को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो RCl या RBr दे सकते हैं प्लस NaI, तो इक्वल टू अब हमारा बन जाएगा RI प्लस NaX। मान लीजिए मैंने RCl के साथ NaI लिया है तो मेरा बनेगा RI प्लस NaCl, अगर मैंने RBr के साथ NaI लिया है तो मेरा बनेगा RI प्लस NaBr, सेम KI के साथ कर सकते हैं, अगर KI को लेते हैं तो RCl प्लस KI, तब हमारा बनेगा RI प्लस KCl, RBr प्लस KI तो इक्वल टू RI प्लस। फोर्थ मेथड था हमारा किसी एलिकल क्लोराइड या ब्रोमाइड, किसी एलिकल क्लोराइड या ब्रोमाइड से एलिकल आयोडाइड कैसे बनाते हैं, तो किसी एलिकल क्लोराइड को ले लिया जाए, उसकी रिएक्शन NaI या KI से कराते हैं, तो RI बनेगा और NaX मीन्स NaCl बनेगा और RI आयोडाइड आयोडो एल्केन बन सकता है। एलिकल ब्रोमाइड होता है तो एलिकल ब्रोमाइड की क्रिया NaI या KI से कराते हैं तो एलिकल आयोडाइड बनेगा और दूसरा KI या KBr बनेगा। इसे अब हम एसीटोन की सहायता से अवक्षेपित कर लेते हैं और शुद्ध हमें आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन अभिक्रिया, इस रिएक्शन का नाम रहेगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाओं को हम फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एलिकल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एलिकल आयोडाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम नंबर फिफ्थ पर आते हैं कि कोई हमारे पास एलिकल क्लोराइड या ब्रोमाइड है तो फ्लोराइडों में कैसे इसे परिवर्तित किया जाता है। तो फ्लोराइड में परिवर्तित करने के लिए हम किसी धातु फ्लोराइड को लेते हैं, तो धातु फ्लोराइड के लिए हम सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, AgF, कोबाल्ट फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, इनके किसी के साथ अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं एलिकल क्लोराइड या ब्रोमाइड की, तब हमें एलिकल फ्लोराइड बनेगा, तो इस अभिक्रिया का नाम रहता है स्वार्ट्स अभिक्रिया।
स्वार्ट अभिक्रिया। इन विधियों से हम एरिल हैलाइड नहीं बना सकते, क्योंकि एरिल हैलाइड बनाने में, क्योंकि कार्बन है जो उसके sp2 संकरित रहता है, इसके लिए हम इन विधियों से केवल एलिकिल हैलाइड का ही निर्माण करेंगे। तो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी किसी भी एलिकिल हैलाइड को बनाने की। एलिकिल हैलाइड को हम एल्कोहल से बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड मैंने बता दिए। HCl से कंसनट्रेट HCl और जिंक क्लोराइड लेते हैं, कंसनट्रेट और HCl और ZnCl2 जब लिया जाता है तब हम इसे बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रीजेंट। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करने में प्रयोग किया जाता है इसका, प्राथमिक प्राइमरी ल्यूकास रीजेंट, ल्यूकास रीजेंट। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहलों के हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं इस तरह से प्रयोगों का। दूसरा हम एल्केन से, ये मेथड मैं सारे बता चुका था उन लोगों को। अब एल्केन से क्लोरीन या ब्रोमीन की सूर्य के प्रकाश मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज में रिएक्शन कराते हैं तो RCl RBr बन जाता है। एल्किन का मार्कोनिकोव का रूल लगा सकते हैं, HCl HBr HI। कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड लिया जा सकता है और हम क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड वाले हेलो ब्रोमो एल्केन आयोडो एल्केन बना सकते हैं। फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या थी हमारी, RCl या RBr की रिएक्शन NaI या KI से कराते हैं तब हमारा RI और NaX बनता है। और फिफ्थ नंबर था स्वार्ट्स अभिक्रिया, इसमें AgFCOF2 Ag2F2 SbF3 से कराते हैं तो एलिकल फ्लोराइड बनते हैं। थैंक यू। आगे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं नए वीडियो जो डालता हूँ वो वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। थैंक यू। KBr ये अभिक्रिया कहलाती है हमारी फिंकलस्टीन अभिक्रिया।